A few moments later. Fuck. मॉर्निंग गाइज, माय नेम इज सैम और आप देख रहे हैं कौशिक ट्रैवलर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो प्रेजेंटली आई एम इन हिमाचल। तो आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं खजियार, जिसको कि मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। तो अभी मैं जिस जगह पे हूँ उस जगह का नाम है मलकौल, और इस जगह से अराउंड 55 किलोमीटर है खजियार, और जो टाइम लग जाएगा वो 2 घंटे के आसपास लग जाएगा। और जो खजियार है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो आज की जो सवारी है वो हमारी स्प्लेंडर 125 है। मैं जस्ट चेक कर रहा हूँ कि हाँ स्प्लेंडर पे जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। और अभी मैं जिस जगह पे हूँ वहाँ से बहुत आसम व्यू आ रहा है, जैसे कि आप पीछे दिख रहा होगा पूरा माउंटेन दिख रहा होगा। तो या आपको रास्ते में बताता रहूँगा, तो चलो फिर चलते हैं। तो आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर बाद, तब तक आप लीजिए आनंद रास्ते के दृश्यों का। अभी हम रास्ते में ऐसे रुके थे और ये बहुत सुंदर सी जगह दिखाई दी, तो अभी यहाँ पे उड़ाते हैं ड्रोन और देखते हैं कैसा व्यू आता है। तो जैसा कि आप देख रहे हो काफी ज्यादा गहरा है ये। तो ये बेहतरीन नज़ारा देखने के बाद हम फिर से चल पड़े जेसीबी की खुदाई। तो जब तक ये हटते नहीं तब तक यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। रास्ता क्लियर, तो चलो फिर चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। तो अभी आप जो जगह देख रहे हो यहाँ पे रॉक्स गिरती रहती हैं, तो ध्यान रखें ऐसी जगहों पे आप ज़्यादा देर खड़े ना हो, क्योंकि रॉक गिर सकती है ऊपर से। तो हम अभी रास्ते में ऐसे रुके थे, तो यहाँ से जो व्यू था काफ़ी अच्छा था। तो यहाँ से ड्रोन उड़ाते हैं, देखते हैं व्यू आता है कि नहीं आता है। तो इन खतरनाक दृश्यों को समेट के हम चल पड़े अपनी मंजिल की तरफ, इन खूबसूरत लेकिन खतरनाक रास्तों पे। मैंने खतरनाक क्यों बोला वो आपको थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। तो जैसे कि आप रास्ता देख रहे हो अभी, जो मेरे राइट साइड में है कुछ भी नहीं है, और लेफ्ट साइड में माउंटेन है, ना कोई बाउंड्री है ना कुछ है। तो ऐसे रास्तों में ध्यान से चलानी पड़ती, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी।
तो पीछे जो आपने जो दृश्य देखा, अगर आप चाहते हो कि आपके साथ ये नहीं हो तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि मदिरा पान करके वाहन नहीं चलाना है और मोड़ पे हमेशा भोंकों का इस्तेमाल करना है और गाड़ी जो है निर्धारित गति पे ही चलानी है, जो निर्धारित सीमा है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप इजीली गाड़ी चला सकते हो, जैसे कि हम अभी यहाँ से निकल पड़े। तो अभी आप रास्ते के दृश्यों का आनंद लीजिए, मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। खजियार यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, तो जो रास्ता था जो तक वो था अपहील, उसके बाद हम नीचे उतरे और अभी फिर से ऊपर चढ़ रहे हैं खजियार के लिए, मतलब जो चढ़ाई कर रहे हैं, पहले चढ़ाई था और उतराई है, फिर चढ़ाई। रास्ता सही है लेकिन जो रास्ते का विड्थ है वो ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए जब दूसरी गाड़ी आ जाए तो वो केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि इस साइड देखोगे आज जैसे कि ये रास्ता है इस साइड कुछ भी नहीं है, अगर गाड़ी आ जाएगी तो साइड देनी पड़ेगी, तो वही सब ध्यान रखना पड़ता है, बाकी तो इतना डिफिकल्ट है नहीं। बाकी जो रोड का कंडीशन है इतना बुरा नहीं है, कहीं कहीं पे टूटा है लेकिन ओवरऑल जो रोड है रोड सही है, लेकिन विड्थ कम है, तो अगर आप कभी आओ तो यही ध्यान में रख के चलानी है। बाकी पीछे का व्यू तो आप देख ही रहे हो, और बाकी मैं आपको अभी खजियार में मिलता हूँ सीधे, बाय। तो खजियार अभी भी 3-4 किलोमीटर दूर है और ये रहा फॉलिंग रोप का इलाका, तो यहाँ से हमेशा ध्यान से जाना है देख के, और रास्ता तो आप देख ही रहे हो इतना ज़्यादा कुछ मतलब अच्छा तो है नहीं, खतरनाक ही है, तो थोड़ा बहुत ध्यान से बाइक चलानी है। और उसके बाद हमें मिला ट्रैफिक जैम यहाँ पे थोड़ा सा तो फाइनली वी गेट खजियार, एंड जैसा कि आप लोग देख रहे हो ये है खजियार। ओह माय गॉड, जस्ट लुक एट दिस प्लेस, दिस प्लेस इज सो ऑसम। जल्दी से बाइक पार्क करके अभी चलते हैं हम और आपको दिखाता हूँ यहाँ के नज़ारे। सो वी फाइनली रीच एट खजियार, जो पीछे आप ये लेक देख रहे हो ये खजियार लेक है, और यहाँ का जो व्यू है काफ़ी ज़्यादा आसम है, जैसे कि आप पीछे देख रहे हो, पता नहीं कैमरा में अच्छी तरह से आ रहा है, मैं थोड़ी देर बाद दूसरे वाले कैमरे से यहाँ का व्यू लूँगा। एंड बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो यहाँ पे, हॉर्स राइडिंग कर सकते हो एंड पैराग्लाइडिंग कर सकते हो, चार्जेस जो है 1500 रुपये पर पर्सन है। तो अभी आपको आसपास का व्यू दिखाता हूँ। से ये अद्भुत दृश्य अपनी आंखों में समा कर हम निकल पड़े यहाँ की एक ऐतिहासिक धार्मिक जगह पे, खजीनाग टेम्पल। ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर जो है 800 साल से भी पहले बनाया गया है, और अभी हम वहीं के लिए निकल रहे हैं। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह बहुत सारे मिल जाएंगे, अगर आप स्टे करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो आप यहाँ पे। तो मेरे पीछे जो आप टेम्पल देख रहे हो ये है खजीनाग टेम्पल, इस टेम्पल का भी हिस्ट्री है वो मैंने कैप्चर कर लिया, वो आप लोगों से शेयर करूँगा। और इसके अलावा भी बहुत सारे टेम्पल हैं यहाँ आसपास, जैसे कि हिडिंबा माता मंदिर, शंकर जी टेम्पल। तो अभी आपको मंदिर के अंदर लेके चलता हूँ, तो अंदर से कुछ ऐसा दिखता है मंदिर। तो ये मंदिर का धार्मिक के साथ साथ पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व भी है, तो अगर आप यहाँ पे आओ तो एक बार यहाँ आके जा सकते हो, ट्रस्ट मी एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा आपका। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर। टिल दैट पीस, एंजॉय योर ट्रैवल, बाय बाय।
यहाँ भी हर जगह, मतलब जहाँ मिले वहाँ फैला दो। क्या यार, इतना अच्छी जगह है, इसको भी ख़राब करने में लगे हुए लोग। तो जैसा कि आप देख रहे हो पीछे जो है खजियार लेके, और ये ग्राउंड है और आसपास ट्रीज़ हैं, तो यहाँ का व्यू काफ़ी आसम है और लोग आनंद ले रहे हैं। तो आओ यहाँ पे और आनंद लो, अच्छी जगह है। और विंटर टाइम पे ये जगह पूरी कवर होती है स्नो से। वेल गाइस, दैट्स ऑल। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड टिल दैट पीस, बाय बाय, स्टे सेफ, हैप्पी जर्नी।